वेल हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों यहां पर आज की जो वीडियो ना बहुत ज्यादा खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि PS5 को परचेज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे दोस्तों 12 तारीख को जो है रीस्टॉक आ रहा है दोबारा से प्लेस्टेशन 5 का। और दोस्तों साथ में यहां पर एक दुख खबरी भी है, और ये है कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने प्लेस्टेशन 5 जो है वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और काफी दिनों के बाद जो है मेरा ऑर्डर फ्लिपकार्ट ने यहां पर कैंसिल कर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यार, कैंसल, मतलब कि यार जो कुछ हमने किया, इतनी मुश्किल से बुक किया, सब कुछ किया, और यहां पर फाइनली जो मेरा ऑर्डर है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और रीजन क्या दिया है कि भाई सेलर के पास प्रोडक्ट नहीं, और सेलर ने आपका जो ऑर्डर है उसे कैंसिल कर दिया। बट ये काफी ज्यादा गलत बात मैं कहूंगा। अब दोस्तों अगर इस जो दुख खबरी है वो तो है ही है, मुझे तो दुख हो ही रहा है यार। सब कुछ हो गया था, फाइनली हम प्ले स्टेशन 5 का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे दोस्तों पेमेंट भी हो चुकी थी, तो यहाँ पे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा ना वाली बात होगी। तो बहुत पुरानी कहावत है पर मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। तो यहाँ पे इस चीज से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप मान लीजिए 12 तारीख को रीस्टॉक आ रहा है, सारी साइट पे आ जाएगा, विजय सेल पे आ रहा है, चौपेट सोनी पे आ रहा है, इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी सुनने की बात आ रही है कि 12 तारीख को दोपहर के 12 बजे जो है आपको स्टॉक आ जाएगा, तो आप अपने ऑर्डर को प्री बुक करा सकते हैं। पर यहाँ से अगर मेरी सिचुएशन को आप देखें तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी मेहनत से यहाँ पर ऑर्डर भी करो, अपना टाइम भी लगाओ, अपने पैसे भी पे करो, और उसके बाद 10 दिन बाद आपको कंपनी बोल सकती है कि भाई हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो फिर ऑर्डर लिया क्यों यार। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनियां जो है ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रही, काफी लोगों को हो भी रहे हैं, पर काफी लोगों के ऑर्डर कैंसिल भी हो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है मतलब मुझे तो समझ के परे है। और बाहर अगर मार्केट में हम जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अंधाधुंध इंडियन वाले प्लेस्टेशन 5 बिक रहे हैं। अरे कहां से बिक रहे हैं वो 60-65 हजार रुपए के, जब यहां पर जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहां से प्लेस्टेशन गायब होते जा रहे हैं, लोगों के ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों फाइनली मेरे साथ जो हुआ वो हुआ दोस्तों, यहां पे सारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। बहुत उम्मीद थी कि 6 तारीख को मेरा प्लेस्टेशन डिलीवर होना था, बट यहां पर नहीं हो पाया, और यहां पर फ्लिपकार्ट ने मेरे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब क्या कह सकते हैं दोस्तों, और यहां पे काफी लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि उनके प्लेस्टेशन 5 डिलीवर भी हुए हैं, और काफी ने यह भी बताया था कि हमारा भी कैंसिल हुआ है। तो यहां पे दोस्तों कैंसिल हुए नहीं हुए, जो भी खैर हुआ छोड़ो, इन बातों को, इन कंपनियों की बातों को कोई समझ नहीं सकता। अब जो भी चीज हुई है सो हुई है। अब यहां पे मेन मुद्दे की बात करते हैं कि 12 तारीख को, इस आने वाली 12 तारीख को, 12 जुलाई को दोस्तों प्लेस्टेशन 5 फिर से रीस्टॉक में आ रहा है दोपहर के 12 बजे। तो दोस्तों आपको रेडी रहना है। आपको सबसे पहले करना क्या है, साइन इन कर लीजिए उन सारी साइट्स के ऊपर, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, शॉपेट सोनी पर, जहां पे भी आप करना चाहते हैं दोस्तों, पहले से अपनी आईडी वगैरह बना के रखिए, साइन इन कर लीजिए, अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो डाल के रखिए, ताकि जैसे ही स्टॉक आए वैसे ही दोस्तों झट से जाकर अपने प्लेस्टेशन 5 को ऑर्डर कर दीजिए। और अब की बार भी ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत सारा स्टॉक आ रहा है, मेरे तो सुनने में यही चीज आई है दोस्तों कि अभी भी काफी ज्यादा लिमिटेड स्टॉक आने वाला है। तो यहां पे दोस्तों आपको काफी ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी, तभी आपको जो प्लेस्टेशन 5 है वो यहां पर मिल पाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी दिक्कत स्टॉक की आखिर हो ही क्यों रही है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक में बहुत महंगा बिक रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। दोस्तों मैंने सोचा जल्दी से मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जितनी भी साइट्स हैं उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जल्दी से जाकर वहां पर अपने जो ऑर्डर हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि किन किन लोगों ने अभी हाल ही में प्लेस्टेशन 5 को ऑर्डर किया था, और किन के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, और किन के ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए, किन को डिलीवर हो चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों ये देखने वाली बात है, आप पैसे वैसे सब दे देना, सब कुछ कर लेना, प्लेस्टेशन 5 मिल भी जाएगा, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि यार मतलब आपका ऑर्डर फाइनली आप तक पहुंच जाए या फिर नहीं पहुंचे। तो खैर क्या कर सकते हैं, एक बार दोबारा कोशिश करेंगे हम 12 तारीख को दोबारा से प्लेस्टेशन 5 को लेने की। आई होप कि अब की बार जो है हमें हमारा ऑर्डर भी प्लेस हो जाए, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम तक पहुंच भी जाए। तो दोस्तों यहां पे ये चीज है कि शॉपेट अगर सोनी पे अगर आप करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा उनका जो रेशो है वो बहुत अच्छा है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी ऑर्डर लेते हैं वो डिलीवर करते हैं। पर दोस्तों यहां पे फ्लिपकार्ट और कुछ ऐसी साइट्स और भी यहां पे देखने के बाद आई है कि ये पूरी तरीके से ऑर्डर लेने के बाद भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आपके जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यहां पे जरूर आपको जो प्रायोरिटी है वो शॉपेट सोनी पे देनी चाहिए, इसके अलावा अमेजोन पे दे सकते हैं, अमेजोन की सर्विस वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया है, फ्लिपकार्ट को भी ट्राई कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इस टाइम काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तो मैं क्या ही बोलूँ यार। तो दोस्तों आप मुझे बताना जरूर कि 12 तारीख को कौन कौन लोग यहाँ पे प्री ऑर्डर करने वाले हैं प्लेस्टेशन 5 को, और साथ में कौन सी गेम को ऑर्डर करने वाले हो। और साथ में आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो रेड वाला कंट्रोलर है ना वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, रेड एंड ब्लैक जो कंट्रोलर अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप स्पेशल एडिशन रेड वाला कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो आई थिंक ये भी जल्दी खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो
प्लेस्टेशन 5 के साथ ऑर्डर कर सकते हो। वैसे तो खैर दोस्तों अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग बाय करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो खैर दोस्तों फिर जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, तो मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती। शेयर तो बिल्कुल करते नहीं हो, क्या कर रहे हो यार आप लोग, साथ में सब्सक्राइब का बटन तो दबाते ही नहीं हो। मतलब जो सारे काम कर रहे हो जो नहीं करने चाहिए, ये सारे काम करो यार करो। तो खैर दोस्तों फिर आज जो हमारी वीडियो थी वो यही तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो के लिए शेयर करें। दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।